हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक हेक्सोकॉप्टर ड्रोन। और दोस्तों, हम इसमें यूज करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर फ्लाइट कंट्रोलर को, जिसका नेम है APM 2.8। और दोस्तों, ये फ्लाइट कंट्रोलर हम किसी भी ऑनलाइन स्टोर से बहुत ही आसानी से बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर से बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ होममेड ड्रोन फ्रेम। दोस्तों, आपको ड्रोन फ्रेम मेकिंग का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये 22-12,000 KVA BLDC मोटर। यहाँ पे हमने मोटर के वायर थोड़ा सा लॉन्ग कर लिया है, और मैं यहाँ पे मोटर को फिक्स करने के लिए कुछ इस तरीके का नट बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से नट बोल्ट की मदद से मोटर को फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे मोटर्स फिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे हम मोटर के वायर को जिपर की मदद से अच्छे से अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं मोटर्स के वायर को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकती हो कि हमने यहाँ पे कैसे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे मोटर्स के आर्म्स को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे 1 by 1 सारी वायरिंग्स को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 100 ampere का पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों, यहाँ पे मैं डबल सेट टेप की मदद से पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को यहाँ पे सेंटर में फिक्स कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ड्रोन को पावर देने के लिए XC60 कनेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सेंटर में एकदम होल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम होल में इस वायर को डाल लेंगे और उस वायर को बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ब्लैक वाले वायर को माइनस में सोल्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे रेड वाले वायर को प्लस में सोल्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो भी वायर सोल्ड करेंगे कि बहुत अच्छे से सोल्ड करें, नहीं तो जो हमारा ड्रोन है वो क्रैश कर जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल 30 ampere सीमोक ESC। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे डबल सेट टेप की मदद से कुछ इस तरीके से AC को फिक्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 by 1 करके कुछ इस तरीके से सारी AC को फिक्स करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारी AC को लगा लिया है। अब हम AC की पावर वाले वायर को 1 by 1 करके सबको सोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ब्लैक वाले वायर को माइनस में सोल्ड कर रहा हूँ और रेड वाले वायर को प्लस में सोल्ड कर रहा हूँ। हमने सारी AC के वायरिंग्स को कंप्लीट कर लिया है। हमने AC के वायरिंग्स को बहुत ही अच्छे से सोल्ड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कितनी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे हमने सोल्ड किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सारे आर्म्स को लगा के टाइट कर लिया है। अब हम सारे AC और मोटर्स के वायर को आपस में सोल्ड करेंगे। मैं यहाँ पे मोटर के 3 फेस वायर को AC के 3 फेस वायर के साथ में सोल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हमें मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना हो, दोस्तों हम आपस में 2 वायर को चेंज करेंगे तो हमारे मोटर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आप इस इमेज को देख के समझ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे हमारे मोटर का रोटेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे आप इस इमेज को देखिए समझ सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने AC और मोटर्स की वायरिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत फिनिशिंग के साथ में वायरिंग्स को किया हुआ है। दोस्तों, आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने ड्रोन्स में वायरिंग्स को करने हैं
दोस्तों यहाँ पे हमने ऊपर वाले कवर को लगा लिए और लगा करके बहुत ही अच्छे से टाइट कर दिया और ESC के लीड को बाहर निकाल लिया। और दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ होममेड शॉक एब्जॉर्बर। दोस्तों आपको इसका मेकिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर को डबल स्टैक टेप की मदद से एकदम सेंटर में फिक्स कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड विथ GPS। मैं यहाँ पे APM 2.8 बोर्ड को डबल साइड टेप की मदद से फिक्स कर रहा हूँ। मैं एरो को देखते हुए अच्छे से फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को फिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए फ्लाइस का FACT 6B ट्रांसमीटर को यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 6 चैनल का रिसीवर जो कि हमारे ट्रांसमीटर के साथ में ही आता है। मैं यहाँ पे इस रिसीवर को डबल स्टैक टेप की मदद से फिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हैंडमेड GPS स्टैंड और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 8mm का GPS। दोस्तों जो हमारा ड्रोन था वो ड्रोन क्रैश हो जाने के कारण जो इसका बॉडी था वो टूट गया था, तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसी बॉडी को फिर से डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से GPS स्टैंड को फिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोल और GPS की एरो की देखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से डबल स्टैक टेप की मदद से GPS को फिक्स कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे ESC की लीड को फ्लाइट कंट्रोल के आउटपुट वाले पिन में कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इस इमेज को देख के समझ सकते हो कि हमें ESC के पिन को फ्लाइट कंट्रोल के कौन से पिन में कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर और रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके का कनेक्टर का यूज कर रहा हूँ जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में ही आते हैं। मैं यहाँ रिसीवर के पिन को फ्लाइट कंट्रोलर के इनपुट पिन में कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ रिसीवर के 1 2 3 4 5 6 और फ्लाइट कंट्रोलर के 1 2 3 4 5 6 के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे GPS मॉड्यूल का आउटपुट पिन। और दोस्तों ये बड़ा वाला पिन है हमारे GPS के लिए और छोटा वाला I2C के लिए, तो चलिए दोस्तों इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी वायरिंग को कंप्लीट कर लिया। अब हम जीपर की मदद से सारे वायर को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे ताकि देखने में थोड़ा साफ सुथरा लगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में प्रोग्रामिंग का वीडियो नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था। दोस्तों आपको कुछ दिनों में हमारे चैनल पर प्रोग्रामिंग का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 6 पीस नॉर्मल प्रोपेलर, 3 क्लॉकवाइज एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज।
हम यहाँ पे इस इमेज को देखते हुए वन बाई वन प्रोपेलर्स को फिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे प्रोपेलर्स को टाइट करने के लिए कुछ इस तरीके का किल का यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोपेलर्स को टाइट करेंगे। दोस्तों अगर एक ही प्रोपेलर खुल गया तो जो दोस्तों मैं यहाँ पर ड्रोन को पावर देने के लिए 3 सेल लिथो बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी मदद से हम ड्रोन को 10 मिनट तक बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैटरी को टाइट करने के लिए बैटरी बेल्ट का यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ड्रोन था वो बनके कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हम इसका फ्लाइंग टेस्ट लेते हैं।